नमस्ते दोस्तों, क्रिप्टो दोस्त के एक और एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं जानता हूं आप सब जो है बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस हफ्ते कि सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आएगा क्रिप्टो करेंसी के मसले पर, और इंडिया में जो रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी है क्रिप्टो करेंसीज को लेके वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। लेकिन अभी जो है हमें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों। क्रिप्टो कानून के अपडेट्स के मुताबिक कोर्ट ने जो है इस मैटर को एडजर्न कर दिया है, और क्रिप्टो करेंसी का ये केस जो है अब अगले ट्यूसडे को यानी कि सितंबर 18 को मोस्ट प्रोबेबली लिस्ट होगा। तो आज सुबह भी वही हुआ दोस्तों कि दूसरा एक केस जो है कोर्ट के सामने था, जिसकी वजह से दूसरे मैटर्स को जो है पोस्ट लंच जो है शिफ्ट कर दिया गया था, और उसके बाद जो है ये डिसाइड किया गया कि इस मैटर को जो है एडजर्न कर दिया जाए अगले हफ्ते तक। तो क्रिप्टो कानून जो है और अपडेट्स देगा, और उनके अपडेट्स जो है हम आपके तो आपकी तरफ पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ ही जो है थोड़ा सा और एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था, क्योंकि आरबीआई ने जो है एक काउंटर एफिडेविट फाइल किया है पिटिशनर्स के खिलाफ। तो उसके बदले जो है आईएमएआई ने जो है कोर्ट से अपील की थी कि इस मैटर को जो है एडजर्न कर दिया जाए, ताकि वो जो है अपना रिजॉइंडर फाइल कर सके आरबीआई के इस काउंटर एफिडेविट के बदले। लेकिन कोर्ट ने जो है आईएमएआई के इस रिजॉइंडर को डिक्लाइन किया है। तो यहां पे आप देखिए, ये जो पहले बार जो ये न्यूज था उसे सीएनएन न्यूज 18 ने पब्लिश किया था कि आरबीआई ने जो है एक काउंटर एफिडेविट फाइल किया है, और उसे कंफर्म किया है आज सीसीएन ने। तो यहां पे उनका एक आर्टिकल है कि करंट लीगल सिस्टम कांट रिकॉग्नाइज बिटकॉइन, इंडिया सेंट्रल बैंक टेल सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे देखिए, सुप्रीम कोर्ट को जो है सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट डिफाइंड इन लीगल सिस्टम फॉर वर्चुअल करेंसीज, यानी कि उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर किया है, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे कोई लीगल सिस्टम नहीं है वर्चुअल करेंसीज को रेगुलेट करने के लिए। साथ साथ ही जो उन्होंने कॉइनेज एक्ट और आरबीआई एक्ट को भी रेफर किया है, और उन्होंने ये बोला है कि एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क्स जो है बिटकॉइन को एज अ करेंसी और मनी जैसे रिकग्नाइज नहीं करते हैं, इसलिए बिटकॉइन को जो है एज अ वैलिड पेमेंट सिस्टम हम रिकग्नाइज नहीं कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आरबीआई के इस काउंटर एफिडेविट की वजह से जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया है केस में, और देखना पड़ेगा कि पिटिशनर्स जो है अब कैसे रिएक्ट करते हैं। तो मैटर डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में दोनों जो पक्ष है वो कैसे दलीलें रखते हैं। लेकिन अब जो है मोस्ट प्रोबेबली हियरिंग, जैसे मैंने आपको बताया, सितंबर 18 को होने वाली है। तो डेफिनेटली हम उस न्यूज पर नजर रखेंगे, और आपको जो है हम सारे डिटेल्स जो है पेश करते रहेंगे। तो आपको क्या लग रहा है दोस्तों इस केस के बारे में? क्या सुप्रीम कोर्ट में जो ये काउंटर एफिडेविट फाइल हुआ है उसकी वजह से जो है इस केस को एक नया मोड़ मिलेगा, एक नया रुख मिलेगा? मुझे प्लीज आप कमेंट के जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। वीडियो के नीचे ही एक सब्सक्राइब बटन है, बस उसे आप टैप या क्लिक कर दें। प्लीज आके हमारे वेबसाइट पर चेकआउट कीजिए दोस्तों। हमारी वेबसाइट का एड्रेस है cryptodost.io। याद रखिए दोस्तों, cryptodost.io है, .com नहीं है। आइए cryptodost.io पर, यहां पे आपको वीडियोस मिलेंगे, ब्लॉग्स मिलेंगे, न्यूज आर्टिकल्स मिलेंगे, ICO ट्रैकर मिलेगा। बड़ी आसानी से जो है आप आके ये सब इन्फॉर्मेशन जो है एक जगह पे पा सकते हैं, और आप हमसे आप जुड़ सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर भी, जिसका हैंडल है द क्रिप्टो दोस्त, और ट्विटर पर भी हमारा जो हैंडल है वो है द क्रिप्टो दोस्त। तो डेफिनेटली आके हम इन दोनों प्लेटफॉर्म से हमसे जुड़िए, और अगर आपके पास कोई डिटेल क्वेश्चन है दोस्तों तो हमें आप मेल भी कर सकते हैं द क्रिप्टो दोस्त @gmail.com पर। थैंक यू वेरी मच।